Hello everyone, in this video we'll be discussing about the fungi which is non-green heterotrophs. That means it do not contain chlorophyll pigment. Now this is a very simple concept, although many students confuse themselves by thinking that fungi are nothing but the non-living material. Let me tell you, fungi is not a non-living material, and we'll try and figure out what exactly it is in this video. Not only I tell you more about the fungi, what will answer some questions such as, first of all, how do they develop, and second one, where do they develop? Okay, so अब शुरू करते हैं फंजाई का इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम सीखते हैं इनकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है. कुछ वर्ड हैं जो फंजाई के अंदर यूज किए जाते हैं, जैसे एक वर्ड है माइकोलॉजी. आप पूछेंगे कि माइकोलॉजी क्या होती है. तो माइकोलॉजी, अगर हम फंजाई की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक है, स्टडी ऑफ फंजाई को हम कहते हैं माइकोलॉजी. ओके, एक टर्म्स और आता है जिसका नाम होता है माइसीटोलॉजी. माइसीटोलॉजी, माइसीटोलॉजी क्या होती है? अगर हम स्टडी माइसीलियम की करते हैं, माइसीलियम, तब हम इसको माइसीटोलॉजी कहते हैं. अभी हम आगे बताएंगे कि माइसीलियम क्या होता है, ठीक है. उसके बाद अगर हम इनके फादर्स की बात करें कि सबसे पहले खोज किसने की है माइसीलियम की और फंजाई की खोज किसने की, तो फादर ऑफ फंजाई जो है हम बोलते हैं पी मिचेली को. तो पी मिचेली ने ही सबसे पहले फंजाई को डिस्कवर किया था 1720 में, 1720 में. इन्होंने एक बुक्स भी लिखी है, नोवा जेनरम प्लांटेरम, नोवा जेनरा प्लांटेरम इस बुक का नाम है जो पी मिचेली ने 1720 में लिखी थी. इसीलिए इनको फादर ऑफ फंजाई कहते हैं या फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं. उसके बाद फादर ऑफ, अगर हम मॉडर्न माइकोलॉजी की बात करें, ये भी है फादर, लेकिन कैसे है मॉडर्न, जो मॉडर्न आज की माइकोलॉजी है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी ये किसने किसको कहा जाता है? तो ये जो है वो डी वेरी एक साइंटिस्ट है, डी वेरी, ठीक है. तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डी वेरी, इन्होंने कहा था. अच्छा, एक साइंटिस्ट और है. अब इंडिया में हम किसको फादर बोलेंगे? तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, इनका नाम है टी एस सदाशिवम. टी एस सदाशिवम को फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है. तो यहां तक ये हो गया फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी. अगर हम कहें कि फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी क्या है, क्योंकि माइकोलॉजी जो होती है यानी कि फंजाइज के अंदर, वो कई तरीके की डिसीज भी कॉज करती है, पैरासाइटिक भी होती है, तो हम पैथोलॉजी के बारे में जानकारी लेंगे. तो फादर ऑफ यहाँ पर एक है फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी, भारतीय जो पैथोलॉजी कहा जाता है फादर. तो फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी जो है वो बटलर है, साइंटिस्ट बटलर, इनको कहा जाता है. चलिए अब हम इसके डिटेल देखते हैं. अभी तक तो हमने इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखा, कुछ फादर के नाम. तो पहला फादर हमने देखा कौन, पी मिचेली, ठीक है, आप याद रखेंगे, सारा लिख लीजिए. फादर ऑफ माइकोलॉजी पी मिचेली, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डी बेरी हो गया, ठीक है, डी बेरी. फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी टी एस सदाशिवम हो गए, ठीक, और ये हो गए फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी बटलर. अब आगे हम बात करते हैं कि फंजाई जो होती है आखिर होती क्या है, और माइकोलॉजी वर्ड जो है वो कहां से आया. तो ग्रीक वर्ड में माइकोलॉजी जो है वो दो वर्ड से बना है, मिलकर बना है, माइकोस. माइकोस का मतलब होता है मशरूम, ठीक है. और लोग जी, जो लोगस होता है वर्ड, आपको पता ही है क्या है, इसका मतलब होता है स्टडी. तो अगर हम मशरूम की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइकोलॉजी. तो ये पूरा वर्ड जो है
वो माइकोलॉजी हो गया, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया। ओके, इतनी तो हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला। अब फंजाई जो है एक्चुअल में होती क्या है, तो फंजाई जो होती है एक्चुअल में नॉन क्लोरोफिलस होती है, नॉन क्लोरोफिलस। ठीक है, नॉन क्लोरोफिलस का मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए क्लोरोफिलस भी होती है, ए क्लोरोफिलस भी कह सकते हैं, या क्लोरोफिल लेस भी कह सकते हैं। यानी कि ये ऐसे थैलोइड प्लांट्स होते हैं एक तरीके से, ये क्योंकि बॉटनी की ब्रांच है, तो ये एक तरीके के ऐसे थैलोइड होते हैं जो कि नॉन ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट इनके अंदर नहीं होता है, नॉन वैस्कुलर होते हैं, वैस्कुलोबंडल नहीं होता है इनके अंदर, और साथ में ये क्या है, न्यूट्रिशन अगर देखोगे तो ये हेटरोट्रॉफिक होता है। अब हेटरोट्रॉफिक में ये दो तरीके का न्यूट्रिशन शो करते हैं, एक सैप्रोफिटिक ओके, और दूसरा होता है पैरासिटिक। ये दो तरीके का न्यूट्रिशन यहाँ पर शो करते हैं, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। तो इसकी न्यूट्रिशन की डिटेल अभी हम आगे देखेंगे और कुछ इसकी बेसिक जानकारी लेते हैं। तो ये ऐसे थैलोइड प्लांट्स होते हैं जो नॉन वैस्कुलर होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं, दैट मींस दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपने आप अपना खाना नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इनको हेटरोट्रॉफिक कहा जाता है। साथ में इन प्लांट्स में क्या होता है, एक्चुअल में इन प्लांट्स की बॉडी जो होती है वो थैलोइड होती है। अगर थैलोइड की बात करें तो इसका मतलब होता है कि इसमें रूट, स्टेम और लीव्स ये नहीं पाई जाती है, यानी कि इनकी थैलोइड बॉडी डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होती है। अब फंजाई की स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो फंजाई जो होता है, फंजाई ये हाइफी से मिलकर बना होता है। फंजाई किससे मिलकर बना होता है, हाइफी से, और हाइफी किसे कहते हैं, हाइफी जो होता है ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हाइफी कहते हैं। अब बहुत सारे हाइफी जो हैं एक साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, फाइन एक नेटवर्क बनता है, दैट फाइन नेटवर्क इज कॉल्ड माइसीलियम, इसको हम कहते हैं माइसीलियम। तो हाइफी इंटरवूवन टुगेदर एंड फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड माइसीलियम, ये माइसीलियम बनाते हैं। अगर हम हाइफी की तरफ देखें तो हाइफी एक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस थ्रेड में क्या होता है, जैसे ये एक तरीके का थ्रेड है, इसको हम जूम करके देखें तो ये थ्रेड इस तरीके से दिखाई देगा, आउटर वॉल जो होती है इसकी सेल वॉल होती है, ठीक है, आउटर वॉल सेल वॉल होती है, इनर वॉल सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इनके अंदर प्लांट की तरह क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन खास बात क्या होती है, प्लांट की तरह इनकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता है, इनकी सेल वॉल के अंदर काइटिन होता है और साथ में एक मटेरियल होता है पॉलीसेक्राइड, ये भी पॉलीसेक्राइड ही है, सेल वॉल में काइटिन है, और दूसरा जो पॉलीसेक्राइड है उसको हम कहते हैं फंगल सेलुलोज, फंगस का स्पेशल एक सेलुलोज है जिसको फंगल सेलुलोज कहते हैं, और ये एक हेट्रोपॉलीमर होता है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप, हेट्रोपॉलीमर है ये, ठीक है। अभी मैं इसको दूसरी स्लाइड पे ले आता हूँ। ओके, अब हम दूसरी स्लाइड पे आ गए, तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें, हाँ जी, तो ये जो हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं, हाइफी की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी है, काइटिन की बनी है, और साथ में एक हम नाम देते हैं फंगल सेलुलोज। फंगल सेलुलोज जो होता है आपको याद रखना है, ये क्या होता है,
एक हेट्रो पॉलीमर होता है, ठीक है, हेट्रो पॉलीमर होता है। हेट्रो पॉलीमर में कौन सी यूनिट होती है वो भी हम बता देते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजेमीन, इस यूनिट का हेट्रो पॉलीमर बना होता है, फंगल सेलुलोज होता है, ठीक है, और सेल वॉल में काइटिन होती है। तो अगर एक सेल वॉल की स्ट्रक्चर आप देखें तो इस तरीके से एक सेल वॉल है, ये हाइफी है, तो हाइफी की ये सेल वॉल हो गई और एक सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है काइटिन और फंगल सेलुलोज, इसके अलावा इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, वही सब चीज होती है, ठीक है। ये एक किसकी स्ट्रक्चर बनाई हमने, हाइफी की स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है। हाइफी के अंदर आपको न्यूक्लियस भी मिलेगा। अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि एक हाइफी के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, ठीक है, एक हाइफी में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, यानी कि ये हाइफी जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है, ठीक है। और यही हाइफी कैसा हो सकता है, बाई न्यूक्लिएट भी हो सकता है, और यही हाइफी कैसा हो सकता है, यूनी न्यूक्लिएट भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद करनी है कि हाइफी मल्टी न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट या यूनिक्लिएट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, स्पीसीज पर, फंजाई की स्पीसीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। हाइफी जनरली जो होता है आपको कैसा मिलेगा, ब्रांच्ड मिलेगा, हाइफी ब्रांच्ड भी हो सकता है, और हाइफा जो होता है वो अनब्रांच्ड भी हो सकता है। तो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड भी हाइफी देखने को मिलते हैं, और साथ में आपको हाइफी जो है वो सेप्टेड भी हो सकता है और एसेप्टेड भी हो सकता है। सेप्टेड कैसे होगा, एसेप्टेड क्या होगा, तो अगर मान लीजिए एक ये हाइफी है तो इस हाइफी में ये वॉल क्रिएट हो गई अंदर, तो दिस इज द सेप्टा, ये ठीक है, सेल वॉल बाहर, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है, इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाकी सारे मटेरियल्स में प्रेजेंट होंगे, एक हाइफी एक सेल होती है। तो यहाँ पर ये जो हाइफी है ये सेप्टेड भी हो सकती है और इस तरीके से एसेप्टेड भी हो सकती है। तो अगर एसेप्टेड हाइफी है तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो ये कैसी कंडीशन होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड और एसेप्टेड कंडीशंस को हम एक स्पेशल नाम भी देते हैं, यानी कि आपके पास अगर हाइफी है किसी फंजाई का और उस फंजाई की हाइफी में आपको दिख रहे हैं क्या, सेप्टा नहीं दिख रहे हैं, एसेप्टेड हाइफी है और साथ में क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है सिनोसाइटिक कंडीशन, ओके, दिस इज कॉल्ड सिनोसाइटिक कंडीशंस। अब एक हाइफी में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये हाइफी एक से ज्यादा सेल से बनी हुई है, ठीक है, जिसके सारे न्यूक्लियस जो है एक साथ आ गए क्योंकि सेल वॉल डिसॉल्व हो गई आपस की, तो दिस इज अ मल्टी न्यूक्लियेटिक कंडीशन। दूसरी तरफ हाइफी देखते हैं तो एक हाइफी के अंदर सेप्टा प्रेजेंट है, तो हर एक सेल जो है वो एक न्यूक्लियस की भी हो सकती है और डबल न्यूक्लियस की भी हो सकती है। तो अगर एक सेल जो है ये एक न्यूक्लियस की है तो दिस इज कॉल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड, और अगर दो न्यूक्लियस हैं तो बाइन्यूक्लिएटेड। तो सेप्टेड हाइफी जो होते हैं वो बाइन्यूक्लिएटेड या यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर एसेप्टेड अगर हाइफी होगा तो वो हमेशा मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, दैट्स इट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एग्जाम में एसेप्टेड हाइफी आ जाए, उसमें पूछ लिया जाए कि ये एसेप्टेड हाइफी मल्टी न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट या यूनिन्यूक्लिएट है, तो कौन सी होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी होगी वो, और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सिनोसाइटिक। तो एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस कि विच सिनोसाइटिक हाइफी हैव, क्या क्या है उसके अंदर, बाई न्यूक्लिएट है, यूनिन्यूक्लिएट है या मल्टी न्यूक्लिएट है, यानी कि अगर सिनोसाइटिक हाइफी आपको दे रखा है तो आपको कौन सा टिक लगाना है, मल्टी न्यूक्लिएटेड लगाना है कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी होगा। अब ये सारे अब हाइफी जो होता है वो ब्रांच भी ऑन ब्रांच, यानी कि इसमें से ब्रांच भी निकल सकती है, इस तरीके से ये हाइफी ऐसे भी हो सकता है, तो बहुत सारी ब्रांच भी हो सकती है हाइफी के अंदर, और
अनब्रांच्ड भी हो सकता है। तो ये ब्रांच्ड हाइफी हो गया और ये अनब्रांच्ड हाइफी, दो तरीके का हाइफी देखने को मिलते हैं। अब अगर हाइफी एक से ज्यादा, हाइफी जो एक से ज्यादा हैं, तो मोर देन वन हाइफी या बहुत सारे हाइफी पैरेलल अरेंज होंगे और उसके बाद आपस में नेटवर्क बना लेंगे इस तरीके का, बहुत ज्यादा एक मैश वर्क लाइक बहुत ज्यादा घना डेंस नेटवर्क बना लेते हैं, कभी कभी लूज नेटवर्क बना लेते हैं कभी कभी। तो इस तरीके का जब भी नेटवर्क बनेगा हाइफी का, तब हम उसको नाम देंगे माइसीलियम। क्या नाम देंगे? माइसीलियम। और माइसीलियम ही क्या कहलाती है? फंजाई। तो फंजाई इज अ मेड अप ऑफ माइसीलियम और सिंपली कॉल्ड हाइफी। फंजाई इज मेड अप ऑफ हाइफी, डिफरेंट हाइफी इंटरवुमेन फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फंजाई और वी कॉल्ड माइसीलियम। ठीक है, ये हो गया इसका कंडीशंस। अब अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई कैसा होता है? यूनिसेलुलर हो गया। बताओ कैसा है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है फंजाई? फंजाई, मोस्टली फंजाई जो होती है वो मल्टीसेलुलर होती है, लेकिन एक दो फंजाई हैं जो यूनिसेलुलर हैं। जैसे एग्जांपल आपको याद करना है, कौन सा एग्जांपल यूनिसेलुलर फंजाई का है? ईस्ट। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम, ठीक है। तो ईस्ट और सिनकाइट्रियम जो होती हैं, ये दोनों ही फंजाई हैं यूनिसेलुलर, एक सेल्स की बनी होती है। इसलिए जब ये एक सेल की हैं तो इनकी पूरी सेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाती है, यानी कि रिप्रोडक्शन में इनकी पूरी सेल पार्टिसिपेट करती है। तो एक स्पेशल नाम इसको दिया जाता है, तो बताइए क्या नाम देंगे इसको हम? ईस्ट और सिनकाइट्रियम। ध्यान से सुनिए, ईस्ट और सिनकाइट्रियम जो होता है ये कंप्लीट सेल इसकी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, दैट इज कॉल्ड, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? होलो कार्पिक कंडीशन कहते हैं, इसको कहते हैं होलो कार्पिक कंडीशंस। ठीक है, अब दूसरी में अगर मल्टीसेलुलर फंजाई होती है, मल्टीसेलुलर फंजाई में कौन कौन सी फंजाई? बहुत सारी फंजाई हैं, जैसे आप इसको पक्सीनिया नाम याद कर लीजिए, पक्सीनिया है, पक्सीनिया, ठीक है। आपने राइजोपस नाम सुना होगा, नहीं सुना है? अभी हम बता दें कौन सा सुना है। आपने म्यूकर नाम सुना है, क्यों सुना है म्यूकर? अरे आपने सुना है ब्लैक फंगस, अभी जो बीमारी चल रही है ब्लैक फंगस। एक्चुअल में ये म्यूकर जो होती है और राइजोपस जो होती है, ये दोनों ही कैसी हैं? ओब्लिगेट सेप्रोफाइट होती हैं, ठीक है, ओब्लिगेट सेप्रोफाइट। क्या मतलब होता है इसका भाई, अभी बताते हैं हम इसका क्या मतलब है। तो ब्लैक फंगस कहते हैं राइजोपस को, म्यूकर को, इनको हम ब्लैक फंगस, ब्लैक मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी फंजाई कैसी है? मल्टीसेलुलर हैं। दूसरी खास बात फंजाई, ये सारी फंजाई यूकैरियोटिक होती हैं। कैसी हैं? यूकैरियोटिक। न्यूक्लियस से ही पता चल रहा है इनके अंदर सेल्स में क्या है, न्यूक्लियस। तो ये कैसी होंगी? यूकैरियोटिक होंगी, एडवांस टाइप की फंजाई हैं ये, यूकैरियोटिक फंजाई, ठीक है। चलिए अब हम इसकी न्यूट्रिशंस की बात करते हैं। तो न्यूट्रिशंस के लिए चलिए देखिए, अब न्यूट्रिशन जनरली फंजाई में क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है? ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, ये सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं। तो फंजाई दैट कैन फीड ऑन अ लिविंग मैटर, जब फंजाई किसको फीड करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को फीड करता है। तो फंजाई ऑर्गेनिज्म, द फंजाई विच कैन फीड अपॉन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट्स। तो ये पैरासाइट हो गए और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? होस्ट। और अगर फंजाई ग्रोज ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर अगर ये ग्रो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट्स। तो दो तरीके की फंजाई होंगी, पैरासाइट होगी या सेप्रोफाइट होंगी, लेकिन मोस्टली फंजाई जो है वो कौन सी है? वो सेप्रोफाइट है ज्यादातर। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि ज्यादातर फंजाई सेप्रोफाइट होती है, मोस्टली कुछ फंजाई हैं जो पैरासाइट्स का काम करती हैं। अब हम देखते हैं पैरासाइट के भी दो टाइप हैं। देखिए
ओब्लिगेट पैरासाइट्स, फैकल्टेटिव पैरासाइट, सेप्रोफाइट्स, ठीक है। फैकल्टेटिव पैरासाइट यहाँ पे देखो, ठीक है, अभी हम समझाएंगे क्यों। तो पैरासाइट जो है वो ओब्लिगेट पैरासाइट भी होता है और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट होता है। कैसे? देखो, पैरासाइट में ऐसी फंजाई जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही फीड करती है, ठीक है, अंटिल द डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये होस्ट पर डिपेंड करती है, होस्ट पर फीड करती है, होस्ट पर ग्रो करती है, होस्ट की डेथ हो जाने के बाद फंगस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, फंगस की भी डेथ हो जाती है। तो होस्ट की डेथ होने के बाद फंगस आल्सो डिस्ट्रॉयड। तो इस तरीके के फंजाई ओब्लिगेट पैरासाइट, तो दे आर एक्चुअली द पैरासाइट्स, दे आर एक्चुअली द पैरासाइट्स एंड दे डू नॉट ग्रो ऑन डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि ये परमानेंटली होस्ट पर ही डिपेंड करते हैं फीडिंग के लिए, तो ये ओब्लिगेट पैरासाइट हो गया। अब अगर फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट की बात करें तो ऐसे पैरासाइट ये होते क्या हैं, एक्चुअल में ये एक्चुअली पैरासाइट होते हैं। तो क्या लिखोगे, देयर आर एक्चुअली पैरासाइट्स, दे आर एक्चुअली पैरासाइट्स होते हैं, बट कैन आल्सो बी ग्रो अपॉन, ऑन कह सकते हो, ग्रोज ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सिंपल, कि एक्चुअली में ये पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन अगर होस्ट नहीं है, ठीक है, या होस्ट की डेथ हो चुकी है मान लीजिए, तो ये ग्रो कर सकते हैं किस पर, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर भी ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए इनको फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट कहते हैं। फैकल्टेटिव मतलब ऑप्शनल है, ये किसमें ऑप्शनल है, सेप्रोफाइट पर ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शन है इसके पास कि ये डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर को भी खा सकता है, ऑप्शन है इसके पास। लेकिन अगर होस्ट अवेलेबल है तो वो दूसरे ऑप्शन पे क्यों जाएगा, है भाई, अगर हमारे पास, हम हमेशा ब्रेड खाते मान लीजिए, ठीक है, अब ब्रेड नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि हम जो है खाना ही छोड़ दें, हम फैन भी खा सकते हैं भाई, क्रीम रोल भी खा सकते हैं, तो वो हमारा क्या है, ऑप्शन है। लेकिन वो ऑप्शन हम कब लेंगे, व्हेन, जब हमारे पास ब्रेड नहीं है, ठीक है। अगर ब्रेड भी है और फैन भी है हमारे पास, क्रीम रोल भी है, तो हम क्या खाएंगे, तो हम पहले ब्रेड ही खाएंगे, क्योंकि हमारा नेचर है ब्रेड खाने का। तो इसीलिए यहाँ पर फंजाई क्या है, फंजाई का नेचर है कि वो पैरासाइट है, लेकिन अगर उसके पास होस्ट अवेलेबल नहीं है तो वो ऑप्शनल, उसके पास है सेप्रोफाइट बन सकता है, वो ग्रोज ऑन डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर। चलिए दूसरे और बात है सेप्रोफाइट्स पे। तो सेप्रोफाइट क्या होते हैं, ये एक्चुअली सेप्रोफाइट्स होते हैं, ये हमेशा ही यानी कि डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पर ही डिपेंड करते हैं, फीड करते हैं उसी पर।